और चलिए बात करेंगे प्रदर्शन से क्या बनेगी बात। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कर्मचारी संगठन हड़ताल पर चले गए और इसमें कई कर्मचारी संगठन शामिल हैं। इनमें संविदा कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, रसोईया संघ हड़ताल पर शामिल है। राजधानी स्थित धरना स्थल पर कर्मचारियों का जमावड़ा लग गया। यानी बीती रात हड़ताली कर्मचारियों का रात में अनोखा प्रदर्शन दिखाई दिया। आप तस्वीरें देखिए, ये बीच सड़क पर किस तरह से खाना बनाते हुए नजर आए। इसके चलते धरना स्थल वाले रोड पर जाम लग गया। अनियमित कर्मचारियों ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। 4 साल बीत गए, बावजूद इसके आज तक उनका नियमितीकरण नहीं हो पाया। अनियमित कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ जमकर गुस्सा और आक्रोश दिखाई दिया। नियमितीकरण सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये सभी बैठ गए। बता दें, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ इसके पहले भी रायपुर में 3 जून को एक दिवसीय प्रदेशव्यापी आंदोलन कर चुका है और एक बार फिर से इस तरह से संगठन जो है वो अलग अलग संगठन शामिल है। संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी और रसोईया संघ जो है वो इसमें शामिल है। बूढ़ा तालाब की रात की तस्वीरें हैं, जब यहाँ पर बीच सड़क में देखिए किस तरह से खाना बनाते हुए नजर आए हैं। जमकर आक्रोश सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन इन्होंने किया। इसके पहले आपको बता दें, 3 जून को भी एक दिवसीय प्रदेशव्यापी इस तरह का आंदोलन ये पहले भी कर चुके हैं। 4 सूत्री इनकी मांगे हैं, नियमितीकरण ये चाहते हैं कि नियमित किया जाए, लेकिन घोषणा पत्र में जो वादा किया गया उसे पूरा नहीं किया गया, ये इनका आरोप है। तो प्रदर्शन इस तरह का हो रहा है, क्या बात बनती हुई नजर आएगी? इस तरह के प्रदर्शन करने से क्या सरकार तक बात पहुंचेगी और इनका प्रदर्शन रद्द होगा? इनकी जो मांगे हैं वो क्या पूरी हो पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं, क्योंकि देखिए बीच सड़क में किस तरह से रात गुजारते हुए नजर आए। इसमें महिलाएं भी सबसे ज्यादा शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ मौजूद हैं। रात में, देर रात में इस तरह से बीच सड़क पर बैठ कर धरना प्रदर्शन करना, खाना बनाना और इस तरह से अपने घर द्वार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर इस तरह से बीच सड़क पर प्रदर्शन करना, क्या सरकार के कानों में जू रेंगेगी? 4 जून को, 3 जून को जिस तरह से प्रदेशव्यापी एक दिवसीय इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, क्या इस तरह का प्रदर्शन करने के बाद एक बार फिर से इनकी बात सरकार तक पहुंचेगी? कि कई सवाल अब खड़े हो गए हैं, लेकिन तस्वीरें बेहद मार्मिक हैं और भावनात्मक रूप से चोट भी पहुंचाती हैं। कि देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये प्रदर्शन इनका खत्म होगा या नहीं? क्या वाकई में इनकी समस्या दूर हो पाएगी? क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने घोषणा पत्र जब देखा था उसमें कहा गया था कि हमें नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन 4 सालों के बाद भी ये नियमित नहीं हो पाए हैं। अनियमित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, हड़ताली कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन भी किया, हम अपने टीवी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि किस तरह से अपने बच्चों को, परिवार को छोड़कर महिलाएं भी और जो पुरुष हैं वो इस तरह से खाना बना रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 जून को जिस तरह से एक दिवसीय प्रदेशव्यापी आंदोलन आप लोगों ने किया, क्या लग रहा है इस तरह का प्रदर्शन करने से बात बनेगी, सरकार तक बात पहुंचेगी? मैं बताना चाहूंगा मैडम कि हम अचानक से उठ के आए हैं, ऐसा नहीं है। हमारी संघर्ष लगातार कई सालों से जारी है और वर्ष 2018 में जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें कांग्रेस पार्टी ने कमिटमेंट किया था, और ये कमिटमेंट किया था कि उनकी सरकार बनती है तो 10 दिन में निमित करेंगे, और इसका वीडियो भी है हमारे पास। लेकिन वो 10 दिन निकल गया, 1000 दिन निकल गया है, 1200 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अब अंतिम बजट है, उसपे हमें भरोसा है, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पे आए हैं कि उस बजट पे जो है आप जो है अपना कमिटमेंट को पूरा करें, नहीं तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मैं बताना चाहूंगा, हम हड़ताल कर रहे हैं, इसको शासन प्रशासन सहयोग तो कर रही है, लेकिन सरकार जो है वो हमारे आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। मैं कल की घटना आपको बताना चाहूंगा। कल हमारे जो पदाधिकारी जब खाना वगैरह बना रहे थे और वहां सोए हुए थे, तो कुछ बाहर से उपद्रवी लोग हमारे हड़ताल पे आते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों के नियमितीकरण की मांग जो है पूरी हो गई है, हम मंत्री से बात करके आए हैं, आप लोग तुरंत हड़ताल को खत्म करो, और अगर हड़ताल यहाँ से नहीं जाते हो तो तुमको तुमको जान से मार दिया जाएगा करके हमारे पदाधिकारी को इस तरीके के है ना, मतलब धमकी दिया गया है। और एक घटना और बताना चाहूंगा, कल शाम का ही है, 8 बजे का जी, जिसमें हमारी एक महिला साथी है, उनको उनके ऊपर चाकू से हमला करने का प्रयास किया गया और महिलाओं के द्वारा ही जो है वो चाकू को बरामद भी किया गया। एक इतनी गंभीर बात बताऊंगा भूपेश बघेल जी की, इतनी तानाशाही इस आंदोलन को खत्म करने के लिए लग गई है कि हमारे साथी जो रोड पे सोए हुए थे, जो
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत जो एम्बुलेंस चलती है, शासकीय एम्बुलेंस रहती है, उस एम्बुलेंस में बैठा हुआ जो ड्राइवर था, शासकीय एम्बुलेंस को शासकीय संपत्ति को चला रहा था, वो ड्रिंक लिया हुआ था, वो शराब के नशे में था, और उसके बाद जो महिलाएं थी उनको गाली गलौज कर रहा था, और यहाँ तक कि वो बोल रहा था कि सब लोग को कुचल के मैं मार दूंगा करके। तो मैंने तत्काल स्थिति को संभाला और वहां पर सीएसपी साहब सुखनंदन राठौर को बुलाया। रवि जी हमें बता रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं उनके साथ हुई है कल रात, और इस तरह का प्रदर्शन करने के बाद अब क्या बात बनेगी। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो प्रदर्शन से क्या बात बनेगी, इस तरह से आंदोलन करने से राह पकड़ चुको कि अब समस्या दूर हो पाएगी, ये फिलहाल देखना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7।